रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम केक बनाएंगे सूजी रवे का। ये है सूजी रवा। अब हम इसे एक कप सूजी रवा है, अब इसे हम पीस लेंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। आप जो कप से लिए थे ना, उसी कप से शक्कर डाल दीजिए। ये देखिए रवा कितना पाउडर पाउडर हो गया है। अब हमने पीस लिया है इसे। अब हम शक्कर को पीस लेंगे। ये देखिए हम अभी कप से मिल्क भी लिया है। ये थोड़ा कम एक कप है, थोड़ी कम एक कप शक्कर डाला है हमने। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये देखिए अभी ऑफ कप कर्ड है, दही है, इसमें ऐड कर दीजिए दही भी। ये विदाउट एग्स का केक है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून तक डाल दीजिए इसके अंदर। अब आपके अंदाजे से यूज कर लीजिए। अब हम इसे पीस लेंगे। रिफाइंड ऑयल है सनफ्लावर का, आपके पास बटर हो तो बटर भी मेल्ट करके डाल दीजिए। हमने ये सब ऐड कर लिया, हम इसे पीस लेंगे। इसे ग्राइंड अच्छी तरह ग्राइंड कर दीजिए। हमने ये पीस लिया है ग्राइंडर में, ये देखिए। अब हम ये पीसे हुए रवे में अब हम ये ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमने मिला मिक्स कर लिया है इसे। इसे 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा रवा एकदम भीग गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। ऐसी वाली छलनी लेके यूज करिए। इसके अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक सब अच्छी तरह मिक्स हो जाता। कितना? ये देखिए हाफ कप मैदा है, ये खाली ऊपर ऊपर दिख रहा वैसा। ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा है, 1 चुटकी नमक है। अब इसे अच्छी तरह छान लीजिए इसके अंदर। प्लीज छन्नी से छान कर ही डालिए केक के लिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, इसमें हम सब ऐड कर दिया है। अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करने वाले हैं। देखिए ये इस तरह मिक्स करिए, इतना ही घट रहना चाहिए। देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी में थोड़ा मैदा मिक्स करके ऐसा कर दीजिए, ये एक को एक नहीं चिपक जाते, एकदम खुले खुले रहते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये देखिए हमने ये भी मिक्स कर लिया। देखिए हमने बटर पेपर ऐड कर दिया है इसके अंदर, इसको ऑयल भी अप्लाई कर दिया है। देखिए स्पैचुला की मॉडल के ब्रश लेके लगा दीजिए इसे अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बैटर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया। हम इसके अंदर अब ऐड कर रहे हैं। केक टिन में आधे तक ही डाल दीजिए,
ये पूरा फूल के नीचे तक आ जाता। अब हम इसे भट्टी में ले जाकर रखेंगे। ये अब भट्टी में ले जाकर रखेंगे हम। बड़े अब्बू की भट्टी है, इसमें ले जाकर रखेंगे। ओके राइट, बंद कर दे आप। अच्छा लंगा ना कुआं तो लोगों डालते हैं, देखो तेरे कितनी देर होता है। बहुत हीट है वाह। माशाल्लाह ये देखिए बन चुका है हमारा केक। देखिए कितना कितना अच्छा बन गया। तबीयत खुश हो गई केक देख के। ये हमारी जेठ के भट्टी से बेक करके लेके आए हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत इतना अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहा। अब हमें इसे बाहर निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बेक हो गया है, एकदम फ्लफी फ्लफी है। ये देखिए केक हमारा एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी है। अब हम इसे कट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा केक कितना प्लफी प्लफी हो गया दिख रहा। ये केक देखिए बहुत टेस्टी है और यम्मी भी है। ये आप भी घर पर ट्राई करिए। माशाल्लाह हमारे चैनल पे आप नए रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।